बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, पुलिस भर्ती को लेकर यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एमपीपीबी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हुआ है एक बड़ा खुलासा। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं मिली कोई गड़बड़ी और महिलाओं को कोटे से कम भर्ती के आरोप लगे थे। जांच में खाली पद से दो गुना महिलाएं पाई गई। आपको बता दें कि 1786 रिक्तियों पर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन फोन लाइन पर बने हुए। ब्रजेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले गड़बड़ी की आशंका थी, उसके बाद जब जांच हुई तो गड़बड़ी नहीं पाई गई, शिकायत किसने की थी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस मामले में कई जो अभ्यर्थी थे, पुरुष अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, उन्होंने शिकायत की थी और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी किया था, तमाम आरोप सरकार पर और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों पर लगाए गए थे। पूरे मामले की जांच के आदेश हुए क्योंकि इसमें एफआईआर भी दर्ज थी और जांच के बाद जब ये बात सामने आई है और जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो आरोप लगाए गए थे वो सरासर गलत थे और जो महिलाओं के लिए 1786 पद खाली थे उसके अकॉर्डिंग 3694 यानी दुगनी से भी ज्यादा महिलाओं को इस परीक्षा के प्रारंभिक फेज में पास किया गया था। जबकि आरोप ये लगाए गए थे कि महिलाओं का जो कोटा है और जो पद है खाली महिलाओं के लिए 1786 उसके अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं की गई हैं, महिलाओं के पदों पर पुरुषों को परीक्षा दिला के पास कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पुरुषों को यहाँ पर नौकरी मिल सके। लेकिन इस जांच में पूरा मामला खुल गया है और जांच में ये सामने आया है जब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, कॉपीज की जांच की गई, तो दुगने से ज्यादा महिलाओं को यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में पास किया गया था। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।